हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जिसे आप अपना कहते हो ना कि ये मेरे परिवार के लोग हैं, ये मेरे चाचा है, ये मेरे दादा है, ये मेरा भाई है। भाई कोई अपना नहीं है तेरा। अगर अगर वो तेरे अपने होते ना तो तुझे चैन से जीने देते। हमेशा याद रखना, कोई अपना नहीं होता है। सिर्फ खुद को सोचो कि तुम जो आईने में जिस इंसान को देखते हो वही तुम्हारा सिर्फ अपना है, बाकी सब पराया है। भाई अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरा जो चाचा है मेरा चाचा है एक, उसको मैं क्यों नहीं पसंद करता पता है तुम्हें? क्योंकि वो जब आता है ना मुझे डिस्टर्ब करता है पढ़ाई करने में, क्योंकि घर पे काम चलता है, बोलेगा घर का ये काम करो वो काम करो, जिसकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाता। फिर मैं रात को पढ़ता हूँ भाई, रात को पढ़ता हूँ। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि लाइट का प्रॉब्लम होता है, दिन में लाइट नहीं रहता है, रात में लाइट रहता है दिन में नहीं रहता है। और कंप्यूटर का प्रैक्टिस करना है तो रात में ही करना हो। तो अभी 2 साल से, मैं सच्ची बता रहा हूँ, 2 साल मेरा 2022-23 पूरा बर्बाद किया मेरे चाचा ने, क्योंकि घर का काम चल रहा था तो मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा था और ना ही कुछ कर पा रहा था। क्योंकि वो इंसान कहता था कि ये काम करो वो काम करो। मुझे क्यों नहीं पसंद है बताओ? वो हर चीज़ में मुझे नीचा दिखाएगा कि तुझे ये नहीं आता वो नहीं आता, जैसा लगता है खुद बहुत बड़ा भगवान हो। तो ये वजह है भाई। देखो अगर वो तुम कहते हो ना कोई तुम्हारा अपना है, परिवार में तुम 4 दिन रह के देखो, पता चल जाएगा सब लोग स्वार्थी है दुनिया में, समझे? स्वार्थ के पीछे रहते हैं। जब तक तुमसे मतलब है ना तब तक तुमसे दोस्ती करेगा, प्यार करेगा, तुमको अच्छी अच्छी बातें बोलेगा। मतलब खत्म, रिश्ता खत्म, चाहे वो तुम्हारा बाप माँ ही क्यों ना हो। माँ बाप भी उसी बच्चों के साथ रहते हैं जिसके पास पैसा हो, सच्ची बता रहे हैं। और जिस बच्चे के पास पैसा नहीं हो तो उसको माँ बाप भी पसंद नहीं करते हैं, ये दुनिया की सच्चाई है। तो यही कहूँगा भाई कि कैसे भी करके कोई भी काम करके पैसे कमाओ, और ये परिवार रिश्ते सब छोड़ करके आराम से पैसे कमा करके ज़िंदगी जियो, समझे? जैसे अगर तुम्हारे अपने होते तो साथ देते, जैसे मेरे अपने अगर होता कोई कि हाँ चलो मेरा चाचा अपना होता या मेरा परिवार का लोग अपना होता तो मुझे साथ देता, सपोर्ट करता कि हाँ भाई तू आराम से पढ़ाई कर, तुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तू जो कर रहा है कर। ऐसा तो नहीं है, मोबाइल चलाता था तो मेरे चाचा बोलता है कि क्यों मोबाइल चला रहा है। वो ये नहीं जानता है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ या काम करता हूँ। तो सबको इसी तरह से गुजरना पड़ता है मेरे भाई। जैसे एक होता है ना कि हाँ तुम्हारे चाचा आए दादा आए तो तुम खुश हो गए, और मेरे आते हैं तो मुझे गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि उन उसका नेचर ही ऐसा है उस आदमी का। तो मैं बस यही कहूँगा यार कि आप किसी को पसंद तभी करोगे ना जब वो इंसान आपकी मदद करेगा, सपोर्ट करेगा। पर वो ऐसा इंसान है ना कि क्या बताऊँ मैं तुमको भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ। सिंपल, अगर तुम्हें ज़िंदगी में कुछ भी बनना है, शांति से रहना है, तो सबसे पहले घर छोड़ देना, क्योंकि घर में रहकर शांति नहीं मिलेगी। किराए लेके घर रह लेना, अपना घर खरीद लेना, अपने पैसे से खाना, अपने पैसे से कपड़े पहनना, तभी शांति मिलेगी, चाहे लड़का हो या लड़की हो। शांति चाहिए तो खुद पैसे कमाओ, नहीं तो घर में कोई तुम्हें शांति से जीने नहीं देगा, डिस्टर्ब करेगा, डर के जियोगे, गुलाम बन के जियोगे, कुत्ते की तरह जियोगे जैसे कि मैं जी रहा हूँ। तो मैं कहूँगा कि अगर ज़िंदगी को खुश बनाना